أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد قال الله جل شأنه في كتابه المجيد "لو أردنا أن نتخذ لهواً لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين" قابل احترام حاضرين المجلس معزز خواتين ملت سبسيط أهلي تمام تعريفي हर किस्म की बड़ाई किबरियाई उसी अकेले अल्लाह के लिए लायक लायक़ैबा है जिसने हम पर अपनी तमाम नमतें मकम्म फ़रमा बाद सलाम हो उस नबीदा महमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक पर जिन पर दरूद सलाम बंदे को अल्लाह की रहमतों का बरकतों का मस्त बना देता है सल्लल्लाहु अलैहि सल्ला वसम तस्लीमन क़िर मजहसादीन जिसवान से मुतक़ मुझे आपके सामने कुछ बातें रखनी हैं वो मकसदियत से मुतक़ है कि किसी भी चीज़ के बनाए जाने का पैदा किए जाने का एक मकसद होता है जब तक वो चीज़ वो मखलूक अपने मकसद से जुड़ी है अपने मकसद पे लगी है तब तक वो एक कारमद और कामयाब चीज़ शुमार की जाती है जब वो चीज़ अपने मकसद से हट जाए अपने टारगेट से अपने हदफ से मुनहरफ हो जाए फिर जाए तो वो चीज़ अपनी ज़िंदगी में अपने वजूद में कोई खैर नहीं रखती बल्कि वो अपने आप के लिए भी और दूसरों के लिए भी एक वबाल जान और मुसीबत बन जाती है अल्लाह ताला ने हम तमाम को एक मकसद के साथ पैदा किया बल्कि अल्लाह ताला ने पूरी कायनात को एक मकसद के साथ पैदा किया है हमारी पैदाइश का मकसद अल्लाह की रज़ामंदी अल्लाह की इबादत अल्लाह को राज़ी करना अल्लाह को ख़ुश करना उसके दीन की पैरवी करना ये हमारी जिंदगियों का मकसद है और हमारी ज़िंदियाँ जब तक इस मकसद पे लगी हैं ख़ैर बरकत की ज़िंदियाँ हैं भलाई की ज़िंदियाँ हैं और अल्लाह तैसे फरमाया किलमत वालयातब अहसन के अल्लाह ने मौत ज़िंदगी जो रखी ये इंसान की आजमायश के लिए है उसके इम्तहान के लिए कि देखें कौन सबसे बेहतर अमल करने वाला है तो अमल में बेहतरी अमल में बेहतरी यह इंसान की जिंदगी का मकसद उसका मनहज हयात है, है और बे मकसद ज़िंदगी जिसमें इंसान अपने मकसद से काफिल हो जाए वो जिंदगी बेकार हो जाती है चाहे मर्द हो के औरत नौजवान हो के बुजुर्ग आम आदमी हो के तालिब इल्म, हर किसी की जिंदगी का एक मकसद है अपने एक मकसद से उस जिंदगी गुजारे मर्द आदमी को अल्लाह ने कुछ जिम्मेदारियां सौंप दी अपने घर का वो ख्याल रखे अपने माहौल का वो ख्याल रखे अपने मातहतों का ख्याल रखे ये उसकी जिंदगी का मकसद है औरत को अल्लाह ने जिम्मेदारी सौंप दी कि वो शौहर के माल का शोहर के घर का शोहर के बच्चों का ख्याल रखे शोहर को खुश करने की कोशिश करे अपने रब को राजी रखने की कोशिश करे Allah के हकूक को अदा करने की कोशिश करे ये। उसका मकसद है इसमें कामयाबी उसकी कामयाबी है मौजाजन जिंदगी के हर मरहले का एक मकसद होता है अगर बच्चा हो बच्चा जब तक बालिग ना हो जाए वो अपने माँ बाप की तरबियत में रहता है मा, माँ बाप की निगहदाश्त में है उसकी तरबियत करना उसका ख्याल करना उसके अंदर मकसदियत पैदा कराना उसको उसकी ज़िंदगी का मकसद समझाना ये देन की जिम्मेदारी है एक मरतबा बच्चा बालग हो जाए जवान हो जाए उसकी जिम्मेदारी वहाँ से बन जाती है कि अपनी नौजवानी को कैसे गुजारे उसके जिंदगी के मकासद क्या हैं वालदेन को लेकर के उसके क्या हकूक हैं गरज ये कि इंसान को अल्लाह ताला ने एक मकसद के साथ पैदा किया बे मकसद जिंदगी गुजारने वाला इंसान खुद अपने लिए मुसीबत होता है पूरे घराने के लिए मुसीबत होता है पूरे मुआशरे के लिए मुसीबत होता है अमन मन खत्ताब रफी अल्लाह तारू जब किसी नौजवान के ताल्लुक से जानते बेकार कि बेकार आदमी है किसके पास कोई काम धाम नहीं है तो वह आदमी उनकी नजरों से गिर जाता उसका कोई मकाम ना होता उसकी कोई वक़ात उमर बिन खत्ताब रजी अनु के पास ना होती कि अपनी नौजवानी अपने औकात, अपनी सेहतमंदी ने जो अजीम नेमतें उसे अदा की उसने उसका क्या इस्तेमाल किया अपनी जिंदगी का मकसद कहा उसने अपने सामने रखा मोसरीन अपनी जिंदगी के मकसद को समझना बड़ा ज़रूरी है अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ने जो आसमान और ज़मीन पैदा किए इंसान और जिन को पैदा किया पूरी कायनात बनाई अल्लाह ने एक मकसद के साथ उसे रखा है लो अल तक अगर हमें ऐसे ही खेल कूद करना होता तो अपने तौर पर कुछ भी कर लेते लेकिन एक मकसद से अल्लाह ने पूरी कायनात को बनाया एक मकसद दे करके इंसान को अल्लाह ताला ने पैदा किया मुजहद्रीन जो आदमी अपने मकसद के पीछे लगा हो अपने टारगेट के पीछे लगा हो उसके अंदर हद दर्जा संजीदगी होती है वो अपने मामलत में सीरियसनेस रखता है वो अपने मामलात में जिद्दियत रखता है संजीदगी रखता है वो अपने मकसद को पाने की सुबह शाम कोशिश में लगा रहता है उसकी कोशिश यही होती है कि अपने मकसद में वो कामयाब रहे अपने मकसद को पाने की हमेशा वो जहद मुसलसल हमेशा कोशिश में लगा रहता है अब अल्लाह ने हमें उसकी रज़ा को हासिल करने के लिए दीन पर अमल करने के लिए उसकी इबादत के लिए पैदा किया तो ज़रा हम गौर करें कि हम अपने इस मकसद में कहाँ तक संजीदा हैं अल्लाह तला ने दीन इस्लाम इसलिए उतारा ताकि हम उसके अहकाम की पैरवी कर सकें फरमाया अल्लाह तला ने उद खलूफ इसम ईमान वालो इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ ऐसा नहीं है कि हमने कलिमा पढ़ लिया बाकी जिंदगी ऐसे ही गुजार दी हमने नमाज की पाबंदी कर ली दूसरे वाजिबात छोड़ दिए हमने हुकूक अल्लाह अदा कर दिए हकूक इबाद हमने तर्क कर दिए हमने अपने घरेलू हमने घरेलू हुकूक अदा कर लिए बाकी बाहर वालों के छोड़ दिए हमने बाहर वालों से अच्छा सलूक किया हुकूक इ इबाद अपने घर के अंदर बी बच्चों के साथ दूसरे सलूक हमने छोड़ दिया ये मकसद से गफलत है ये अपनी जिंदगी के मकसद से गफलत है उससे दूर होने के मानंद है मोहदरीन अल्लाह ने जिस मकसद से पैदा किया कहा या ईमान वालो इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ हमें इस्लाम में मुकम्मल दाखिल होना है हमें पता है या हमें पता होना चाहिए कि हमारी कोई अदनासी गलती भी अल्लाह को नाराज कर सकती है हुकूकली बात में छोटी सी कोताही भी अल्लाह ताला को नाराज करने का सबब बन सकती है हर मामले में इंसान कोशिश इस बात की करे कि वो शरीयत का पाबंद रहे अपने आप को शरीयत का पाबंद रखे ये मकसदियत से जुड़ने के बराबर है अपनी ज़िंदगी के मकसद को लेकर चलने के बराबर है लेकिन माजा साजरीन अगर हम एक सरसरी नजर इस्लामी माशरे पर मुसलमानों पर डाल ले या अपने आप को हम देख लें तो कई जगह हमें खलल नजर आता है कई जगह हमें कोताहियां नजर आती हैं मिसाल के तौर पर दीनी मालूमत को हासिल करना अपने वाजिबात को पहचानने की कोशिश करना इस मसले को लेकर के हम लोगों में जो संजीदगी होनी चाहिए वो संजीदगी हमें दिखाई नहीं देती हमें वज़ू का सही तौर पे पता नहीं है लेकिन हम वज़ू के तरीके को जानने की कोशिश में नहीं लगे हैं हमें नमाज के ताल्लुक से मालूम नहीं है हम नमाज के मालूम को जानने की कोशिश नहीं करते हैं हमें अकीदे की कई खराबियों का नहीं पता है उसके ताल्लुक़ से हमें जानकारी की कोई फिक्र नहीं है ये संजीदगी हमारे अंदर नहीं पाई जाती और इसी तरीके से इस्लाम जो हमें अखलाक सिखाता है इस्लाम हमें जो हकूक की पासदारी का सबक देता है उसको हम देखें तो इस्लाम के अखलाक हमारे अंदर नहीं पाए जाते जो इस्लामी अखलाक एक मुसलमान में अल्लाह ताला देखना चाहता है वो अखलाक ना हमारे अंदर हैं ना उन अखलाक को अपनाने की फिक्र और सोच हमारे अंदर पाई जाती है और इसी तरीके से हमारी अपनी जिंदगीों में मुख्तलिफ मुनासबात पर मुख्तलफ ओकेशंस पर चाहे वो पढ़ाई का मसला हो तिजारतों की बात हो या शादी ब्याह के मसाइल हों या किसी भी किस्म के रस्म रिवाज जो जायज़ रस्म रिवाज हो के नाजायज रस्म रिवाज उन मुनासबात के मौके पर इस्लाम हमें जिन अखलाक की तालीम देता है उन मुनासबात में जो हम खुल जाते हैं जो हम फैल जाते हैं हलाल और हराम की तमीज़ के बगैर हम जो हदों को पार कर जाते हैं ये किस बात पर दलालत करता है ये इस बात की दलील है कि हमारे अंदर संजीदगी नहीं पाई जाती हमारे अंदर संजीदगी नहीं है हम अपनी जिंदगी की मकसदियत को खो बैठे हैं जिंदगी का मकसद हमने अपने सामने नहीं रखा और जहां पर इस्लाम और मुसलमानों को अपने वक्त के कुर्बान करने की ज़रूरत पड़े इस्लाम और मुसलमानों को जहां पर अपने माल को कुर्बान करने की जरूरत पड़े अपनी सलाहियतों को लगाने की जरूरत पड़े तो आम तौर पर ऐसी जगहों पर हम वकीली करते हुए नजर आते हैं पीछे हटते हुए नज़र आते हैं ये क्या है ये मकसदियत से गफलत है अपनी ज़िंदगी के मकसद से गफलत है हमारे अंदर संजीदगी की कमी है जिसकी वजह से तमाम मजाहिर ये तमाम चीज़ें हमारे अंदर आम तौर पर दिखाई दे देती हैं समझने वाले समझते हैं देखने वाले देखते हैं जिसको अल्लाह ताला का, की फिक्र दे दे, वो अपने आप की इस्लाह की कोशिश में लगा रहता है और जो, जो शैतान के गफलत का शिकार हो जाए उसे किसी किस्म की कोई चीज याद नहीं आती। आतीन जब अपने मकसद के पीछे लगे हैं कि हमें चीज अल्लाह की रजामंदी पानी है अल्लाह को हमें खुश करना है दीन की हमें पाबंदी करनी है इस्लाम में हमें मुकम्मल दाखिल होना है तो देखें अल्लाह में बिनम रहा कहते हैं मन रजा शय इसल जम रजा उहू सलासा कहते हैं कि जो आदमी जिसकी उम्मीद रखता है वो उम्मीद उससे तीन काम जरूर करवाती है उसे तीन काम जरूर करने चाहिए सबसे पहला काम यह है मा यरजू जो वो पाना चाहता है उससे मोहब्बत करे अल्लाह की रजामंदी पाना चाहता है उसके उसकी चाहत होनी चाहिए दीन की पाबंदी करना चाहता है दीन की पाबंदी की मोहब्बत उसके दिल में होनी चाहिए उसका लगाव उसके दिल में होना चाहिए जब तक जो चीज वो पाना चाहता है उसकी मोहब्बत उसके अंदर ना हो वो कभी उसको पा नहीं सकता और दूसरी चीज खौफ मिनफ उसके अंदर उस चीज़ के न पाने का खो जाने का डर होना चाहिए कि कहीं वो खो ना दे कहीं वो चीज़ उससे मिस ना हो जाए कहीं अल्लाह उससे गुस्सा ना हो जाए कहीं अल्लाह ताला उस पर नाराज ना हो जाए कहीं दीन की पाबंदी में कोई खलल ना आ जाए दीन की पाबंदी हमारी जिंदगी का मकसद है तो इस बात से डरें कि कहीं हमारे अमल से कहीं हमारी बात से कहीं हमारे अखलाक से कहीं हमारे मामलात से अल्लाह ताला कहीं नाराज ना हो जाए अल्लाह तला कहीं हम पर गुस्सा ना हो जाए अल्लाह की रजामंदी से हम महरूम ना हो जाए जब तक इसका डर ना लगा हो तब तक उसको हासिल करने की सच्ची जुस्तु तो दिलों में पैदा नहीं होती है और तीसरी चीज इबन करीम रहमला कहते हैं फी तहसीली उसके दिल में एक और चीज होनी चाहिए कि वो जिस मकसद के पीछे लगा हो उसको पाने के लिए जिद्दोजहद करे कोशिश करे मुसलसल उसके पीछे लगा रहे तभी जा उस चीज़ को पा सकता है वरना कुछ देर के लिए मेहनत करना फिर पीछे हट करके बैठ जाना यह अल्लाह के नजदीक नापसंदीदा है नबी करीम इस्लाम तो फरमाते हैं अल्लाह ताला को ऐसी दीनदारी सबसे ज्यादा पसंद है कि बंदा छोटा सा करे थोड़ा सा करे मुख्तसर कर ले, लेकिन मुसलसल करता रहे मुसलसल पीछे लगा रहे छोटा सा सदका हो छोटी सी नफिल इबादत हो छोटा सा खैर का कोई काम हो मुसलसल करता रहे उसके अंदर तसलसल हो उसके अंदर कदमी हो यह अल्लाह को ज्यादा पसंद है साफी तहसील के उसके हासिल करने में वो मुकम्मल तौर पर उसके पीछे लगा रहे तभी जा करके हकीकी मानों में अपने मकसद को पा सकता है ये तीन चीज़ें अपने कईम राम कहती हैं कि बंदे के अंदर होनी चाहिए जो हासिल करना चाहता है उससे मोहब्बत करें और उसके खो जाने का न पाने का खौफ उसके अंदर लगा रहे कि कहीं महरूम ना हो तो जाए और दूसरा तीसरा वो जिद्दोजहद करता रहे कि अपने मकसद को पाए ऐसे ही लोग हकीकत में अपने मकसद को पा सकते हैं मकसद दीन की पाबंदी हमारी जिंदगी का मकसद अल्लाह की रजामंदी हमारी जिंदगी का मकसद अल्लाह के हकूक की अदायगी हमारी जिंदगी का मकसद इबाद में कोताही ना करना बीवी बच्चों को उनके हकूक को उनके हकूक़ रिश्तेदारों को उनके हकूक पड़ोसियों को उनके हकूक मिलने जुलने वालों को उनके हकूक तमाम को उनके हकूक देना ये हमारी जिंदगी के मकासद हैं ये हमारी जिंदगी के मकासद हैं ये सब करके कहीं जा के इंसान अपने सबसे बड़े मकसद में कामयाब हो पाता है और वह है जन्नत का हसूल जहन्नम से नजात अल्लाह की रजामंदी अल्लाह की खुशनुदी जब तक ये चीज़ें हमारी ज़िंदगी में न हो, हम मामलात को हल्का लेने लगें बेमकसियत की जिंदगी गुजारें नौजवान हैं तालीम याफ्ता हैं सेहतमंद हैं अपनी ज़िंदगी को ऐसे ही गुजारें औकात की कोई कदर ना हो फुर्सत की कोई कदर ना हो ऐसा ना हो कि फुर्सत के लम्हात मिले तो बैठ करके कुछ तिलावत कर लें ऐसा भी नहीं है फुर्सत के औकात मिले तो कुछ हदीसें याद कर लें कुछ हदीसें पढ़ लें मुताला कर लें कुछ सूरतें याद कर लें इससे हट करके बस आजकल की सबसे गंदी मसरूफियत सबसे बदतरीन मसरूफियत जो हमने इस मोबाइल की शक्ल में पाली है जो लोगों का वक्त खा जाती है लोगों की उम्रें खा जाती हैं बल्कि इससे बढ़कर अगर बोलें तो लोगों का दीन खा जाती है लोगों का दीन खत्म कर देती है ऐसी बदतरीन मुसीबत का हम शिकार हैं ये मोबाइल ये सोशल नेटवर्क ये सोशल चैटिंग ये ऐसी चीजें हमारे दरमियान एक फितने के तौर पर हमारी जिंदगियों में हमारे घरों में हमारी खलवतों में हमारे हमारी तन्हाइयों में दाखिल हो चुकी हैं कि हम अपने मकसदियत से बिल्कुल गाफिल हैं हमें अपनी जिंदगी का मकसद नहीं पता हमें अपनी सांसों का नहीं पता कि हम क्यों जिंदा हैं मोसरीन अपनी जिंदगी के मकसद को जब बंदा भूल जाए तो उसकी मिसाल जानवरों से बदतर है अल्लाह ने क्या कहा इन काफिरों से मुक लहुम खलूब उन लाइफ कहू ना व लहुम आय लाइबसरुन बिहा व लहुम आजान उन लास्मा भी हा इनके दिल हैं लेकिन दिल समझने का काम नहीं करते इनकी आंखें हैं इनकी आंखें देखती नहीं हैं इनके कान हैं इनके कान सुनते नहीं हैं अल्लाह ने फरमाया कल आम ये बिल्कुल जानवरों से हैं बल हम अजल बल्कि जानवरों से गए गुजरे हैं जानवर भी अल्लाह की तस्वीर में लगे हैं जानवर भी अपनी जिंदगी के मकसद को जानते हैं जानवर भी अल्लाह ताला के नाफरमानी और शिक्षक शिर को गफर नहीं करते बल्कि ये उनसे गए गुजरे हैं उलाई गाफिलून ये गफलत का शिकार हैं इनको अपनी जिंदगी का मकसद नहीं पता आंखें हक देखने के लिए होती हैं हक पहचानने के लिए होती हैं आंखें हलाल चीज़ें देखने के लिए होते हैं दिल अल्लाह के डर के लिए होते हैं दीन को समझने के लिए होते हैं कान खैर की बातें कबूल करने सुनने के लिए होते हैं ना हक़ कबूल करें ना भलाई देखें ना दिलों में अल्लाह का डर हो ना दिलों में अल्लाह का हो दीन का तफक् दिल काम आने वाले ना ऐसी आंखें काम आने वाली ना ऐसे काम आने वाले ना ऐसी वाली जिन जिंदगी के सामने मकसद ना हो मकसद आरी होकर के काफिल होकर जिंदगी गुजारे ऐसी जिंदगी हकीकत में कोई फायदा नहीं पहुंचाती क्या है जिंदगी कुछ दिनों का मजमु है कुछ दिन रात का मजमुआ है जिंदगी कुछ औकात का मजमुआ है कुछ औकात को जमा करके जिंदगी बनती है कुछ घंटों को कुछ घड़ियों को कुछ महीनों सालों को जमा करके जिंदगी बनती है जितना वक्त हमने बेमकसियत से जाए किया उतनी जिंदगी हमने जाए की जितना वक्त हमने अपने मकसद से गफलत में गफलत का शिकार होकर के गुजारा हमने उतनी जिंदगी के बड़े ही कीमती लम्हा किए मौजा कहा करते थे मै नदी तो मुझे अफसोस कब होता? मुझे अपने आप पर शर्मिंदगी कब होती जब मैं देखता हूं कि मेरी जिंदगी का थोड़ा सा वक्त निकल गया मेरी जिंदगी का एक दिन निकल गया एक दिन जिंदगी मेरी मुख्तसर हो गई छोटी हो गई एक दिन में पीछे हो गया और कोई दिन ऐसा ग्रूब हो जाए कोई दिन ऐसा खत्म हो जाए कि सूरज गरूब हो जाए उस दिन मैंने कोई फायदा ना लिया हो मेरे अमल में मेरे इल्म में कोई ज़्यादती ना हुई हो दिन ऐसे ही निकल गया हो तो उस दिन पर जितना मुझे अफसोस होता है जितनी शर्मिंदगी होती है उतनी शर्मिंदगी मुझे किसी और चीज पर नहीं होती कि मैंने अपना दिन ऐसे ही जया कर दिया और सूरज गुरूब ऐसे ही हो गया मैंने अपने अमल में कोई इजाफा ना किया पता नहीं कितने दिन हमारे ऐसे ही गुजरते हैं और खास तौर पर आजकल हर किसी को इस बात का शिद्दत से एहसास है कि दिन बड़ी तेजी से गुजर रहे हैं एक जुमा गुजरता है कुछ ही दिन जाते हैं कुछ ही घंटे जाते हैं कि दूसरा जुमा आ जाता है लोग एक वीकेंड गुजार के भी निकले ही होते हैं कि वीक डेज खत्म होकर वीकेंड दोबारा दाखिल हो जाता है इतनी तेजी से दिन गुजरने लगे हैं जरा अपने दिनों को रोकने की कोशिश करें अपने वक्त को रोक करके मुहासबा करने की कोशिश करें कि हमने अपने इस वक्त का क्या मुहासबा हमने इस वक्त में क्या इस्तफा किया इस दिन से हमें क्या फायदा हुआ इस दिन हमने क्या फायदा हासिल किया या हमारे दिन बेकार के ऐसे निकलते जा रहे हैं जिंदगी ऐसे ही जाए होती जा रही है एक एक घड़ी का अल्लाह को हिसाब देना पड़ेगा एक एक घड़ी का अल्लाह को हिसाब देना पड़ेगा इब्राहिम हरबी कहते हैं कि मैंने अहमद बिन अहमल रही के साथ बीस साल गुजारे इब्राहिम हरबी कहते हैं कि मैंने अहमद रही के साथ बीस साल गुजारे मैं उनके साथ बीस साल रहा गर्मी हो के सर्दी का मौसम हो सुबह हो के शाम हो दिन हो के रात हो मैं हमेशा उनके साथ लगा रहा मैं उनके साथ हमेशा जिंदगी बीस साल की मैंने गुजारी तो कहते हैं रोजाना रोजाना उनकी जिंदगी में कुछ ऐसी असलाह कुछ ऐसी भलाई जरूर देखता जो कल गुजरे हुए कल में उनके अंदर न थी हर दिन कोई ना कोई तरक्की होती हर दिन कोई ना कोई खैर मजीद उसके अंदर दिखता हर दिन कोई ना कोई खैर उनके अंदर पाया जाता रोजाना कोई ना कोई फायदा जरूर मुझे मिलता रोजाना उनका पिछले गुजरे दिन से बेहतर जरूर होता मैंने 20 साल करीब से अहमद बिन हमल रही को देखा कि हर दिन उनका पिछले दिन के मुकाबले बेहतर होता क्या हमें से कोई दावा कर सकता है कि दीन के मामले में दीन के मकसद को दीन को मकसद बनाते हुए Allah की रजामंदी को अपना टारगेट बनाते हुए हम यह कह सकते हो कि हमारा पिछला दिन उसके मुकाबले आज का दिन बेहतर है हमारा पिछला साल उसके मुकाबले ये साल बेहतर है हम दुनिया में बड़ी तरक्की करते हुए नजर आते हैं कल के दिन हमारे पास नॉर्मल मोबाइल था आज स्मार्ट मोबाइल दिखाई देगा कल के दिन हमारे पास मामूली सवारी थी आज बेहतर सवारी होगी कल घर के गुज्त साल घर का सामान मामूली सा था रहा होगा आज बेहतर सामान हमारे पास होगा कपड़े कल के दिन बेहतर बह, बह, न थे आज उससे बेहतर है दुनिया में हम तरक्की करते हुए ज़रूर दिखाई देते हैं लेकिन दीन के मामले में अल्लाह की रजामंदी के मामले में दीन की अपनी ज़िंदगी की मकसदियत को सामने रखते हुए हम ये दावा करें ये तलाशी लें कि कल के मुकाबले आज हमारा कैसा है आज के मुकाबले आने वाला कल हमारा कैसा होना चाहिए मोहसदरी अपनी जिंदगी के मकसद को समझने की कोशिश करें वरना यह दुनिया ऐसे धोखे में रखेगी ये दुनिया की मसरूफियत ऐसी धोखे में रख देंगी देखते देखते बच्चा बचपन से लड़कपन में आ जाता है जवानी में आ जाता है जवानी से होते हुए अधेड़पन की तरफ चला जाता है बूढ़ा हो जाता है जिंदगियां खत्म हो जाती हैं गफलत वहीं का वहीं रहती है बंदा खफरत का शिकार रहता है तो मजह सिन अपने अंदर संजीदगी पैदा करने की कोशिश करें जिंदगी के मकसद को हमेशा अपने सामने रखें कि मैं जिंदा हूं तो किस लिए हूँ अल्लाह ने जिंदगी दी तो मेरी जिंदगी का मकसद क्या है हर किसी को अल्लाह ने जिम्मेदार बनाया हर किसी को अल्लाह ने जिम्मेदारी दी सिर्फ दीनदारी लेकर के बैठ जाए हुकूक इबाद में कमी करने लगें हुकूकली बाद में बेहतरीन हो जाए अल्लाह के हकूक में कमी करने लगे याद रखे तमाम चीजें नुकसान पहुंचाती हैं अल्लाह ने वाजे तौर पर कहा यादी अमान वालो मुकम्मल तौर पर इस्लाम में दाखिल हो जाओ मुकम्मल इस्लाम यह है कि आपका दीन बेहतर हो आपकी दुनिया बेहतर हो अल्लाह यह सिखाता रबना आतना फिर दुनिया हंसना व फिर आखिरत हंसना अमारे परवरदिगार दुनिया में हमें बेहतर देना आखिरत में हमें बेहतर देना दुनिया की भलाई याल्ला इंसान को सिखाता है कि भलाई कैसे लेनी चाहिए आखिरत की भलाई कैसे इंसान की हो यह अल्लाह है कैसे होना चाहिए बंदा मुकम्मल इबाद में बंदा मुकम्मल हो अपनी आखिरत को बेहतर मकसद से जोड़ने के बराबर है इंसान यक तरफा होकर न रह जाए इस्लाम रहबानियत नहीं सिखाता इस्लाम सूफियत की तालीम नहीं देता है इस्लाम बरी है सूफियत इस्लाम बरी है मैं याद रखें इस्लाम एक दरमियानी रास्ता सिखाता है वला नसीब का तनस दुनिया जहां पर अल्लाह के नाम पर खर्च करने की इस्लाम तालीम देता है उभारता है वहीं पर यह कहता है कि दुनिया में अपना हिस्सा जो तुम्हें मिलना है जो माल तुम्हें मिलना है जो जिंदगी तुम्हें मिलनी है जिंदगी का आराम तुम्हें मिलना है उसको भी ना भूलो उसको भी हासिल करके रहो। आले दाऊद आले दाऊद की कुछ हमतें लिखी हुई थी उसमें यह भी लिखा हुआ कि एक मुसलमान की जिंदगी में एक एक, एक इंसान की जिंदगी में चार घड़ियां होनी चाहिए चार औकात खास तौर पे होने चाहिए एक वक्त ऐसा हो जिसमें वो अल्लाह के लिए वक्त निकाल ले मुनाजात करे अल्लाह ताला से अल्लाह की इबादत करे ये भी उसकी जिंदगी के मकसद को पूरा करने वाला एक अमल है और एक वक्त ऐसा हो कि वह अपने अपने महासबे पर लगे अपना वक्त निकाल करके अपना मुहासबा करें अकाउंटेबिलिटी उसके अंदर हो अपने आप को देखे कि आज मैंने क्या किया कल मैंने क्या किया आज क्या तरक्की हुई कल क्या तंजुली हुई इसका हमेशा मुहासबा करता रहे उसके दिनों रात में एक वक्त ऐसा जरूर होना चाहिए कि अपना मुहासबा के लिए वो जरूर निकाले और तीसरा वक्त अपने कुछ दोस्तों के साथ मिले तो ऐसे दोस्त रखे जो उसको उसकी जिंदगी के मकसद को याद दिलाएं उसकी गलतियों की तरफ तमबीह करें उसकी अच्छाइयों पर उसे उभारें अच्छाइयों में उसके मददगार साबित हो ऐसे उसे दोस्त रखने चाहिए ये दोस्त भी बड़े जरूरी हैं और इसी के साथ साथ कुछ ऐसा वक्त भी इंसान के पास जरूर हो कि जिसमें अल्लाह की जो नेमतें उसे मिली हैं उससे लज्जतें उठाए खाए पिए थोड़ा सा जायज मौज मस्ती कर ले जायज तरीके से दुनिया का इस्तेमाल कर ले याद रखें यह जायज़ तरीके से दुनिया इस्तेमाल की जाती है इससे अल्लाह अंदर खुवत पैदा कराता है नशात पैदा कराता है जिसके जरिए वो अपने दीन के कामों में बेहतर से बेहतर तौर पर अपने आप को आगे बढ़ा सकता है मसदरीन इन औकात की जब तक इंसान पाबंदी करे उसके अंदर मकसदियत बाकी रहती है एक तरफ होकर के रह जाए सिर्फ मुनाजात में लगा रहे सिर्फ इबादत में लगा रहे अल्लाह के नबी ने कहा कि देखो नेकियों को उतना ही लो जितनी तुम्हारी ताकत है, अपनी ताकत से बढ़कर नेकिया मत लो अपनी ताकत से बढ़कर नेक काम मत करो होगा ये कि आज करोगे कल थक करके बैठ जाओगे छोड़ करके फिर जाओगे पलट जाओगे नापसंद है सिर्फ अपने मत रहो मुहासबा, मुहासबा, मुहासबा। सिर्फ अपनी अकाउंटेबिलिटी अपना हिसाब किताब इंसान थक जाता है और दुनिया में ऐसे बिल्कुल मशगूल ना हो जाओ कि दुनिया की लज्जतें तुम्हें बर्बाद करके रख दे और दोस्तों में इतने न घुलो मिलो कि आखिरत का अपना मकसद भूल जाओ इन तमाम को जमा करो तो जिंदगी का मकसद पाओगे इन तमाम को जमा करो तो जिंदगी के मकसद तक पहुंच पाओगे तो जिंदगी को मकसद बनाने की कोशिश करें जिंदगी जैसे मैंने कहा जिंदगी इन औकात का मजमुआ है जिंदगी इन औकात का मजमुआ है आज यहां बैठे हैं यह भी जिंदगी का हिस्सा है जो हमने दोपहर में गुजारा वो भी जिंदगी का हिस्सा था अपना बचपन जो गुजारा वो भी जिंदगी का हिस्सा था याद रखें जहां भी वक्त गुजारे जो काम भी करें जो बात भी आप करें जहां भी आपका वक्त गुजरे वो आपकी जिंदगी के मकसद से जुड़ा हो तो आप कामयाब हैं ऐसे ही आपका वक्त निकलता जाए बेमकसद वैसे ही आपकी फुर्सत के लम्हे निकलते जाए बे मकसद आपकी सलाहियतें बेकार होती जाए सड़ती जाए बे मकसद आपका पैसा निकलता दा जाए तो याद रखें आप अपने मकसद से दूर हो रहे हैं अपने मकसद से गाफिल हो रहे हैं अपने आप को अपनी मंजिल से दूर, दूर करते जा रहे हैं जितना आप अपने आप को दूर करेंगे उतना ही अपने आप पर मुश्किलें लाएंगे और उतना ही मुश्किल होगा वापस पलट करके आपको अपने मकसद की तरफ आना तो मजद्रीन अपने औकात चाय नोशी के नाम पर अपने औकात गप हाँकने के नाम पर अपने औकात सुस्ती उतारने के नाम पर या अपने औकात किसी से मुलाकात के नाम पर या अपने औकात खास तौर पर खाने पीने के नाम पर बर्बाद करने से बचाए रखें इंसान खाता पीता जिंदा रहने के लिए है न कि वो इसलिए जिंदा है कि खाए पिए सलफ सालेहीन अपने बच्चों को जब देखते कुछ बहुत अच्छा खाते पीते हुए तो कहते कि यह क्या तरीका है कि जो मन चाहा खा लिया खाना पीना किस लिए होता है अपनी जिंदगी की बका के लिए होता है अपनी जिंदगी की हिफाजत के लिए होता है ना कि खाना पीना जिंदगी का मकसद है मोहसहा मैं एक छोटी सी मिसाल आपको दूं होटलों में जा के खाने पीने का जो एक लंबा तरतीब का अंदाज़ जो हमारा बना लिया गया है वेस्टर्न कल्चर को देख करके हमने जो अपना तरीका बना लिया जाकर के होटल में बैठे सबसे पहले स्टार्टर्स शुरू किए जाते हैं उसमें आपका वक्त निकले फिर उसके बाद कुछ और चीज़ें जो आप चबाएं फिर उसके बाद आपका जो मेन कोर्स आइटम होता है कोर आइटम वो आए फिर वो ख़त्म हो तो उसके बाद कुछ मिठाइयों का सिलसिला हो फिर वो ख़त्म हो तो आइसक्रीम्स का सिलसिला हो डिज़र्ट्स का सिलसिला हो वो ख़त्म हो तो फिर चाय नोशी वगैरह का सिलसिला हो यानी हमने अपनी ज़िंदगी को क्या बना रखा है यही काम अपनी इबादतों में करते हैं अल्लाह तो हम यह चाहता है कि वक्त से पहले आप वजू करके अजान के साथ मस्जिद में आओ आकर के बैठो अजान और अकामत के दरमियान आपका जो वक्त है दुआओं की कबूलियत का वक्त है अल्लाह के लिए दौरक़ पढ़ो दुआएं करो तिलावत करो फिर फ़र्ज़ नमाज मुकम्मल तौर पर पूरे खुश व के साथ अदा करो फिर उसके बाद बैठ कर के अजकार पढ़ो इतमान से पढ़ो जब तक बैठे रहोगे फरिश्तों की दुआएं लगती रहेंगी फ़रिश्ते दुआएं करते रहेंगे फिर उसके बाद उठ करके सुनत नफिल नवाफिल की पाबंदी करो घर में जाकर के सुन्नत नफिल पढ़ो ये तमाम चीज़ें जो तरतीब अल्लाह तारन इबादतों के साथ हमारी रखी है सुन्नत नफिल फर्ज सब अल्लाह ने मिला करके रखा है इसको हमने उठा करके किसी ऐसी चीज में लगा दिया जो सिर्फ दुनिया बनाती है इंसान की जिंदगी को उसके मकसद से काफिल करने वाली है तो मसद्रीन अपनी जिंदगी के मकसद को जानने और समझने की कोशिश करें अपने औकात की हकीकत को समझें आपकी जिंदगी का हर हर लम्हा आपके वक्त का हर आपके वक्त की हर हर घड़ी आपकी ज़िंदगी के या तो आपको आपके मकसद से आगे करने वाली है आपके मकसद के करीब करने वाली है या फिर वो जिंदगी आपको आपके मकसद से दूर करने वाली है आप अपनी जिंदगी को पूरी संजीदगी से लेने की कोशिश करें और उसको सही अंदाज़ से गुजारने की कोशिश करें अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपनी ज़िंदगी के मकासद को समझने की तोफ़ी नसीब फरमाए हमें अपने दिलों से अपनी आँखों से अपने कान से अल्लाह ने जो नेमतें हमें अता की हैं उन नेमतों से सही और बासद फ़ायदा उठाने की तोफ़ी नसीब फरमाए हर वो चीज़ जो हम अपने ज़िंदगी के मकसद से दूर करने वाली हो उन तमाम से अल्लाह ताली हमारी हिफाजत फरमाए और जब तक ज़िंदा रखे अल्लाह ताली एक मकसद के साथ हमें ज़िंदा रखे और हर आने वाला दिन हर आने वाली घड़ी हमारे लिए खैर लाने का बायस बने हमारी जिंदगी को बाबरगत बनाने का बने, अल्लाह ताला इसकी हमें तौफीक नसीब फरमाए और अल्लाह ताला हमें जब तक जिंदा रखे सलफ साल की जिंदगी को अपना नमूना बना करके ज़िंदगी गुजारने की तौफीक नसीब फरमाए आमीन अकुल वफ़र वकमसिमिनफ़ुरहीम वसलम नबी महम्मद वाली वसाबी अजमैन वसल السلام عليكم ورحمه الله وبركاته